टाइम हो गया 5:40, तो बादल से हो रहे हैं छोटे छोटे। मैंने तो एक बार तो नीचे यूँ लगा था कभी बूंदाबांदी हो रही हो, कल भी ऐसे ही हुई थी थोड़ा हवे डागी ला करके 5-7 मिनट में, 5-7 मिनट भी नहीं हो 2 मिनट में जब चलता बढ़िया था नीचे से लगा था, पर अब थोड़ा कम हो गया। जैसे जब मैं आई थी ना जब ज़्यादा हो रहा था, एक एक घंटे बाद मौसम चेंज होता है राम जी का, पूरा तो सावन गया अब भी इसी तरह, एक घंटा पहले साफ मिलेगा, एक घंटे बाद चेंज मिलेगा, फिर बादल मिले फिर चेंज मिलेगा, सारा दिन यूँ चला है। पर हवा अच्छी चल रही है, मोर की और कोयल की आवाज़ सुनाने के लिए कैमरा ऑन कराया था, क्यों कोयल भी यहीं बैठी थी, मोर भी दोनों लग रहे थे बोलने में। चलो इसी वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट निकाल लूँगी, इतनी देर में उधर चला गया, एक बार वो बोल रही थी एक बार वो बोल रही थी, चलो कर लेती हूँ थोड़ी देर में मिले। सुबह तो उस टाइम तो मौसम सही था, फिर भी बादल से एक आध से थे, फिर दिन में कोई नहीं पता कई बार आई हैं बूंदाबांदी, बस 2-4 बार हमारे चलती बने, 2-4 बार राम जी भी खेल सा खेल रहा है ना, बरस रहा ना, और बस मेरे को यूँ लग गया था कि मैं उठी भी कदे मेरा फिर सारा ये टाइम वेस्ट कर दे, ये उठना भी बहुत मुश्किल हो सुबह सुबह, अगर उठ जाओ तो अपना योगा हो जाए ना वो सबसे बढ़िया होता है, उठने के बाद पानी पुनी पी ले फिर बारिश ही हो जाए ना, फिर सबसे बड़ा मुश्किल लग गया करो वो टाइम काटना बैठ के ना, क्यों ना नींद आवे फिर ना, और फिर तो चक्रिया काटनी हो, और इतना जल्दी कोई काम भी स्टार्ट नहीं होते जो मैं कर भी देती हूँ। सभी को राम राम नमस्ते, कैसे हैं सभी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने एचडी व्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। टाइम हो गया 6:05, आजकल जल्दी उठती हूँ थोड़ा, ललिता नहीं है तो मैं ये सोचूँ ना मेरे सारे ही काम हो जाए, योगा छोड़ू नहीं करती रहूँ, चाहे पूरा घंटा घंटा जितना भी लगे तो कर लेती हूँ मैं, घंटा ही लग जाए फिर घंटा ही निकालती हूँ मैं अपना जो रूटीन बना हुआ है, एक आध बार तो चलो काम कर देती हूँ, लेट भी हो जाए आदमी जैसे दूध दाद भी लो क्या हूँ, एक आधा काम और निकल जाए है फिर नीचे तू निमटा कर ना फिर आया करूँ, और तो फिर चलो जाने के बाद ही होते हैं स्टार्ट। और छत वाला में भी काफ़ी काम हो जाए है, यहाँ भी लगाना ज़रूरी हो जाए क्योंकि शाम में फिर नहीं आ पाते, कर लेती हूँ। कुछ सामान लेके आई हूँ वो डालना है, कल भी नहीं डाला था मौसम देख कर ना फिर भी टाला, असल में टाला ही कर रहे हैं ये तो, मैं नीचे से ले आई हूँ कई दिन से, थोड़ी देर में मिला फिर सबते हुए मिलेंगे। फिर लगी थी मैं अपनी बेल वाली सब्जियों के लिए छाछ लस्सी और काला नमक का घोल बनाने, लस्सी में 2-3 दिन हो गए थे खट्टी करी हुई थी, थोड़ी खट्टी थी, शाम ने जैसे खट्टा नमक मिलाएगा और रख दिया था, जो लस्सी होती है वो एक कीटनाशक का एक काम करा है, जो खट्टी लस्सी में नमक मिलाई हुई में एंटी फंगस गुण होते हैं जो कि पौधे को रोग से बचाव है, इसलिए बेल वाली सब्जियों में तो सभी में डालना चाहिए, और काला नमक में वैसे भी पोटेशियम होता है अच्छा स्रोत है, और प्रोटीन के लिए तो पोटेशियम बहुत ज़रूरी हुआ है बेल, और इस तरह से बनाकर बेल के अंदर भी डाल सकते हैं और बेल के ऊपर छिड़काव भी कर सके हैं। काला नमक और लस्सी का घोल मैं तो इस तरह कराया करूँ, मेरा 1 लीटर का बड़ा गिलास है उसमें 1 चम्मच काला नमक मिलाकर ना और रख दिया करूँ, फिर अगले दिन और ज़्यादा खट्टी हो जाओ, खट्टी तो कई दिन की होती है, फिर और ज़्यादा खट्टी हो जाओ तो फिर अगर नेक्स्ट डे उसका मैं यूज़ कराया करूँ फिर। और ये सभी बेल वाली सब्जियों के लिए ही होता है, तोरी हुई, घिया हुई, करेला हुआ, तो सभी में किसी में भी डाल सकते हैं। फिर ये पौधे में पानी दिया तो यहाँ को कीचड़ ही हो जाता है क्यों छत पे शेर उधर जाते हैं तो पैर लग लग के पानी गिरता है तो मिट्टी हो जाती है, इसको मैं धोई के आया करूँ। फिर लास्ट का काम हो रहा है क्या, भिंडी हो रही है, भिंडी तोड़ दूँ और तो सारे निमटा दिए, पर लेट हो जाऊँ हूँ करूँ क्या एक बार इन और कर लूँ काम भाई, और असल में गर्मी इतनी पड़ रही है ना पौधा नहीं पानी चाहिए, कल वो थोड़ी ये आई तो थी उसमें कुछ गिला होया ही नहीं, कईयों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, सारे ऐसे मुरझाए हुए हो हैं उनमें ही टाइम लग जाओ है पानी देने में, पाइप में लगाना नहीं चाहूँगी मैं, फिर आधों को ज़रूरत है आधों को नहीं, कैन से देने में फिर लगाई है, तोड़ लेती हूँ एक बार, एक हाथ से तोड़ूँगी तो फिर हाथों का खुजली होगी, काटे ही लड़े जावे फिर। वेलकम बैक, सब्जी बना दी है तोरी की, क्यों आज ऑफिस में नहीं जाना, ऑफिस में तो जाना था टिफिन वगैरह नहीं लेकर जाना, तो इसलिए मैं तोरी बना दूँ, आप 2-2-3 दिन वाला जो बनाया कर देना रहता बना रहे हैं, और घिया बने दी है और कुछ सब्जी बने रही है तो टिफिन वाला वो पंगा नहीं है, आज तो प्रोटीन पैक करने हैं टिफिन में, और साथ में निकालने लग रही हूँ पनीर, पनीर लाए हैं लै दूध लाए हैं पनीर नहीं, पनीर तो मैं बनाने लग रही हूँ, जो राजस्थान वाले आए हुए हैं भैंसा घाटे और देखे ना, एक तो गाय वाले फिरा करें, पर सुबह सुबह मैं भैंस वाले यहीं पार्क के पास ही बैठे हुए हैं, कई दिन से बोल रहे थे लिया क्या लिया क्या, फिर मैं चलो ले आओ उधर से अपने दूध वाले को दूध कम करवा गया, महीने पर ले आया करो 60 दे रहे हैं सस्ता दे रहे हैं ना, हमारा तो 75 दे रहा है, सेवी मैं देखा हाँ निकाल कर ना एक बार कैसा होगा फिर कैसा नहीं, निकालने के बाद ही पता लगेगा, पर हाँ भैंसा का है वैसे तो एक्चुअल में भैंस ही ले रहे हैं वो गाय नहीं है, बाहर आ रहे हैं खावे पियो हम के कारण मेरे ख्याल से वो पिला,
तो देखते हैं, वो तो निकालूंगी जब निकलेगा, जब पता लगेगा कैसा है कैसा ना। कौन से बेचारे खड़े नोड़े गिर रहे हैं, वो तो वो हंड दे फिर दे हैं बैठे हैं यहाँ पर। तो सुबाना अपना मैं ले आया करो सुबह सुबह, तो ले आकर ना देखा है। और मौसम हो रहा है बिल्कुल कड़ा, कभी भी बारिश आ सकते हैं, पर कल की तरह आवेगी तो वो पता नहीं। जैसे कल आई थी, दो फुहार सी करके नर सारा कुछ गीला करके नर से ला जाओ है, तो कड़ा तो होना था। मौसम इस तरह हो रहा था ना बिल्कुल, मस्ती गर्मी घुटन ही हो रही थी, क्यों आगे को पोछा करके आई ना पसीना पसीना हो लिया। ऊपर छत का तो फिर भी हवा लगा थी, आगे को झाड़ू पोछे करण में हो लिया, हाथ मैंने चुड़ ले है। मैंने तो बल्कि आगे तो यहाँ करने लगे जो ऐसे चलाया, मैं सब्जी सब्जी करूँगी यहाँ, थोड़ी लोपी ठंडी हो जाएगी जब करेंगी ना। फिर उसका पत्ता रहा ना चुनी ले, फिर उस चुनी में रुझ जा रहा है काम करते हुए। तो चलो बने रहिए ना, तो बरसता राम जी परेड करवा दे है। और मैं सुबह सामान छोड़ जाती हूँ छत पे, यूँ सोचू मैं सुबह मौसम साफ हुआ है तो यार एक टाइम ही नहीं होता उठा उठा कर रखने का, कई चीज़ें पड़ी होती हैं, भाग के आना पड़ा है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई, टाइम हो रहा 11:30। और बूंदा ही बूंदी आई है बस, थोड़ी आई आ ली मेरे ख्याल से 10-15, एकदम मोटी मोटी आई थी, सांस चढ़ गया ना बागी बागी आई। पर आके ना ऊपर जी खुश हो जावा है देख के ना फूला ने, इन्हें ने देखने जी करे वो इतने मोटे मोटे यूँ लट्टू है लटके हैं, रोज यहीं देख जाऊँ सांसियों चढ़े हुए हैं। बाग बाग के ना चीज़ें हटानी पड़े है ना, एक बार हटा दूँ जैसे हटा दूँ हाँ बैठ के बात करने देता। वो देख पीछे से कितना काला हो रहा है, ये आ गया और एक आध एक आध फिर आने लगी गरजने लग्या है। ये सोचूँ थी मैं आयुष सांस चढ़े हुए हैं, 2 मिनट ये बैठ के ना बात कर ले हैं। कलंजू सांगवान ने वीडियो डाली हुई थी तो इसकी आवाज़ पता नहीं आई, इसकी आवाज़ आने लगी बूंदा में, इधर बैठ के बात कर ले नीचे आएगी नहीं ना। तो जिस तरह कह रही थी ना कि रेगुलर डालना चाहिए, अगर ब्लॉग का है तो ब्लॉगिंग का, उसमें कीर्तन का नहीं डालो, आ गई यहाँ भी कहाँ बोलने देती तो उसमें अगर ब्लॉगिंग का चैनल है तो ब्लॉगिंग ही करनी चाहिए। मान लो आप कीर्तन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो उसका भी दिखाओ और अपना भी रूटीन दिखाओ। ब्लॉगिंग का तो मतलब तो यही होता है, स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं पता था, जैसे कह रही थी ना 10-15 स्टार्टिंग में तो मैंने भी डाले हैं भजन भाजन पार्कों के और कीर्तनों के, तो उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी। और इनको 1 साल हो गया था आए हुए, अंजू सांगवान को 1 साल हो गया था उस टाइम आए हुए। जैसे यूट्यूब से वो दोस्ती हुई, आपस में नंबर चेंज हुए, मेरे ख्याल से यही रह रही हैं, एक दो जनी रह रही हैं जिसके पास हमारे नंबर से चले हुए हैं ना, कुछ तो ऐसे थे ना नंबर जो ले रहे थे बस वो अपना WTO बढ़वाने के लिए थे, WTO बस हमारा हो जाए किसी तरह, या वाईफाई चला दो। कुछ लोग ऐसे भी थे, अब नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं किसी का। तो चलो अब वो तो अपनी अपनी सोच हो, सब छोड़ छोड़ के ना फिर भाग लेते हैं। यही एक दो बंदे हैं जो अब तक चले हुए हैं और कोशिश करेंगे आगे भी चलें। अरे मेरे को जैसे नॉलेज नहीं थी तो इन्होंने ही मेरे को बताया था, मैं कीर्तन के रून के, इन्होंने तो अपना अंजू सांगवान के नाम से कराया हुआ है, तो मैंने तो अपना अंजू सांगवान के नाम से इसलिए किया हुआ है कि मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, मेरा ब्लॉग का है तो मेरे को ब्लॉगिंग का ही डालना चाहिए। तो वो इन्होंने मेरे को सजेशन किया था, तो उस हिसाब से फिर बेटे ने भी सर्च मारा कि वो भी यूट्यूब पर कुछ ना कुछ डालता ही था छोटे वाला, मैं भी डालती थी, तो वो चीज़ मैंने कईयों के ब्लॉगिंग वालों के देखे। तो मैं खिचड़ी नहीं पकानी, एक ही रूटीन अपना रखना है और उसी से करना, वो एक ही रूटीन मेरा रहा हुआ था। और वो सही कहती हैं, मैं डेली आप वीडियो डालते हो, जो भी कंटेंट आप जो भी डालते हो, वीडियो डालते हो, ब्लॉगिंग की डालते हो, कीर्तन की डालते हो, कुछ भी डालते हो, डेली कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा जब भी आपका चैनल ग्रो करता है। मैं तो उसको भी बोलती हूँ 5-7 इकट्ठी बना ले और फिर उसको डाल दिया कर, जैसा भी टाइम है चाहे छोटी ही बना ले, डेली रूटीन वो डेली आनी चाहिए वीडियो, ताकि रीच बनी रहे चैनल की, आगे वायरल का कोई पता नहीं कब किस दिन हो जाए उस चीज़ के, किसी को भी नहीं पता है कौन सी वीडियो उठ जाती है। देखा है कईयों के कुछ भी चैनल नहीं होते तब भी उठ जाते हैं, मिनी ब्लॉग तो लगी है डालने, उससे भी एक मिनट का हो जाता है तो काफ़ी फर्क पड़ा है उसका भी, हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रो भी होएगा, पेमेंट भी आएगी, सब कुछ होएगा। तूने ही तो सलाह दी थी अगर ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग का डालो, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता, किसी को नॉलेज नहीं, उनको 1 साल हो गया था तो इनको नॉलेज थी तो बता दिया था। वो तो अमल करने पे है, कोई अमल कर लेता है, कोई अपने उसे दिमाग से ही चलता है, तो आदमी यूज तो सोचता ही है, इसने 1 साल हो गया तो अच्छी ही बात बताई होगी, कुछ गलत तो बताएगा नहीं। मैंने कभी किसी का दूसरे का कंटेंट नहीं डाला, किसी की शॉर्ट हुई या कोई भी, मैंने कोई मिक्सिंग करके कुछ नहीं डाला, मेरा अपना ही होता है, जो भी होता है अपना ही है और अपना ही डालूँगी। चलें अब नीचे चलते हैं,
खावा पीवा भूख लग रही है, क्यों साढ़े 11 तो ऊपर होया था, बाद भूख क्या आई थी, सांस भी उतर के खड़े हो गए ना, मैं उल्टी फिर जाऊंगी तीसरी मंजिल पर। भाई ये देखती हूँ ना, इनसे दिल खुश हो जाता है, जैसे ही छत पे आओ ना, ये बड़े सुंदर लगे हैं खेले हुए सभी का। कल वो साफ करे थे, छूट के गई थी ना वो, आज फिर वो रह गए, रही जावे ना, रोज जो खेले हुए हटा दे फिर और ज्यादा खेलेंगे। चलो जी नीचे चलते हैं। फिर अपना अनार का रायता लगी थी बनाने छत पे से आके, क्यों मंगलवार था, बरती थी, वैसे लेट हो रही थी खाने में, तो फिर मैंने सोचा मैं रायता ही बना के खा लेती हूँ। टाइम हो गया शाम का, अपना बनाने लग रहा है, बनाने क्या लग रहे हैं, बना दिया रखे हैं दो पिंडे बना गया नरसूर में, क्यों मंगलवार है बस थोड़ा जल्दी हो जाओ ना, हमारे घर से बादाम का दूध होने लग रहा है, ये पीछे पैसे दे रही है पड़ने लग रहा है, बन ही गया, ये भी थोड़ी देर में बन जाएगा, पकने लग रहा है, तो फिर ख़राब नहीं होता ना, अच्छी तरह पक्का रखो, और बर्तन यूँ कहीं पड़े हैं पहले खा पी हैं, उधर से कपड़े लगा के नहीं, मैं इतने कपड़े होंगे फिर बर्तन बर्तन बाद में देखती हूँ, और यहीं फिर मैं ब्लॉग की भी एंडिंग कर दूँ, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रहूँगा।